दुनिया भुला के तेरे प्यार में तकते रहे इंतजार में, पल भी ना छोड़ा हमने कोई यार वे। मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से चले जाओ। जा रहा हूँ आशू, छोटी सी बात सुन लो। एक आशू, सारा दिन तुम अम्मा और मरियम के साथ बिजी रहती हो, मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा। प्लीज आशू, एक बार मेरे दिल की बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू आशू, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम जाते हो या मैं? ओके, जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। जाओ। अच्छा किया आपने। मरियम की बच्ची, तुमने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था? सॉरी, भूल गई थी। भूल गई थी? क्या हुआ अली, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है? मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया। कैसे? किचन में गिर गई थी। ओ, तो आप कैसी हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ देख कर आया। तो ट्रीटमेंट तो चल रहा था आंटी का, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही क्या? इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो है। बीमारी उनकी अपनी जगह है, लेकिन उन्हें अकेलेपन का भी डिप्रेशन बहुत होता है। मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, अकेली रहती है इसलिए और बीमार हो जाती है। अच्छा, फिर आज मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ आंटी को देखने। ठीक है, मैं ऑफिस की बात में पिक कर लूँगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया था? जी हाँ, वो मुझे नूरबानो के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। अच्छा जी, कहिए। देखिए, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी मेरी बात का। जी आप बात करें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों, नूरबानो ने कुछ किया है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। मुझे पता चला है कि आप शादी कर रही हैं उसकी। जी, अगले हफ्ते तक उसकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। मगर वो तो अभी 9th class में है, मैट्रिक कैसे करेगी फिर वो? तो मैं क्या करूं, मेरे 8 बच्चे हैं और नूरबानो के अब्बा को ताला पी लिया है, कल पता नहीं क्या हो जाए। कल अच्छा भी तो हो सकता है ना। देखें, आप प्लीज अभी उसकी शादी मत करवाएं। वो पढ़ना चाहती है, आगे कुछ बनना चाहती है जिंदगी में। क्यों, शादी क्यों ना कराऊं? आखिर शादी तो एक ना एक दिन होनी है ना। अच्छा नहीं क्या, जो काम वक्त पर हो जाए वही अच्छा है। आप मेरा मतलब नहीं समझ रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नूरबानो को आगे पढ़ना चाहिए, वो कुछ बन के दिखाए इस दुनिया को। पढ़ लिख के वो कौन सा गवर्नर लग जाएगी? और हमारे खानदान में शादियां बहुत जल्दी होती हैं, और हम जबान के पक्के लोग हैं, रिश्ता तो मैं तय कर चुकी हूँ। एक बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है और आप कह रही हैं कि आप जबान दे चुकी हैं। हम उसके वालिदैन हैं,
उसका अच्छा ही चाहेंगे। बस मिस आप उसे सिर्फ पढ़ाएं, बाकी के मामलात हम खुद देख लेंगे। वैसे भी कल से वो मायूस बैठ रही है और अब वैसे भी वो स्कूल नहीं आएगी। अच्छा अल्लाह हाफिज। आपी, ये अरशद भाई कुछ अजीब से नहीं है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे घूरते हैं जैसे खा ही जाएंगे। और उसने कभी कुछ कहा तो नहीं? कह रहे थे मेरे साथ चलना, मैं आइसक्रीम खिला के लाऊंगा। मैंने कहा नहीं, अगर अब्बा को पता लग गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या जरूरत है ये सब कहने की? इस तरह तो वो ये समझ जाओगा कि तुम्हें कोई एतराज नहीं, सिर्फ अब्बा का डर है। पर आपी, मेरा इतना दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, अब्बा भी तो कहीं लेके नहीं जाते ना। बकवास मत करो, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ ना, आइंदा उस अरशद के बच्चे के साथ ज्यादा फ्री मत होना। अरशद भाई के बच्चे भी हैं? मजाक की बात नहीं है मरियम, मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रही हूँ, आइंदा उस अरशद भाई से ज्यादा फ्री होने की कोशिश भी मत करना। पर आप क्यों? हर बात में क्यों करना जरूरी होता है, जो कहा है ना उसको चुप करके मान लो। तो पर मुझे भी तो पता चले ना कि बात क्या है। मुंह बंद करो तुम अपना, मैं अब्बा को सारी बातें बता दूंगी, फिर उन्हीं से पूछना क्या और कैसे। अच्छा ना आपी, आइंदा नहीं करूंगी, प्लीज अब्बा को मत बताना। अच्छा ठीक है। इतनी खुशी Yes, come in. Miss, आपको मैडम बता रही हूँ। Okay, मैं आती हूँ। Okay, girls, आप लोग ये फॉर्मूलाज लिखें, मैं मैडम के पास से होकर आ रही हूँ। और जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी, कोई भी लड़की मेरी परमिशन के बगैर क्लास से बाहर नहीं जाएगी। Okay? Yes, ma'am. Good girl. Miss Pari, मुझे आपकी एक कंप्लेन मिली है आज। मेरी कंप्लेन? जी, आपने नूर बानो की मदर को बुलवाया था? जी मैम, बुलाया था मैंने। वो बहुत गलत कर रही हैं अपनी बेटी के साथ। देखें परी, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक्स पढ़ाए, लेक्चर दे और बस। यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा मॉरली गाइड कर दे, मगर उनके घरेलू मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैम, नूर बानो मेरी स्टूडेंट है, ये उसके करियर का सवाल है और आप? आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर नूर बानो के पेरेंट्स उसकी शादी कर रहे हैं तो वो उनकी बेटी है, उनकी मर्जी है, जहाँ चाहे वो उसकी शादी कर सकते हैं। नूर बानो और हमारा ताल्लुक उस वक्त तक है जब तक नूर बानो स्कूल में है, उसके आगे बस। क्या टीचर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी ही है जितना आपने मुझे कहा? परी, जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, तो मैं भी इस तरह की बातें सोचती थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये बदल दूंगी वो बदल दूंगी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो हमें खुद को देखना चाहिए। अगर हम खुद को सर्वाइव कर गए, यही बहुत है। लेकिन मैम, जो कुछ उस बच्ची के साथ हो रहा है, ये ज्यादती है। इस एज में ऐसा ही लगता है परी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंसान को समझ आता है कि अगर यही टाइम हमने अपने कामों में दिया होता तो पता नहीं हम क्या कुछ कर जाते। आप समझ ही नहीं रही हैं। इस तरह तो देखे परी, मैंने यहाँ कोई डिबेट नहीं करनी, मैंने आपको सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाया है कि यहाँ हम पढ़ाते हैं। परी, हम यहाँ पे लोगों के घरेलू प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते हैं। आप प्लीज इस चीज को अवॉइड करें, आप नेचर वाइज बहुत अच्छी लड़की हैं, आप फील करती हैं यही बहुत है। उम्मीद है कि आप मेरा पॉइंट समझ गई होंगी। देखे 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 देखे।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है? और कब आएंगे तुम्हारे अब्बा? बात हुई उनसे? अब्बा कभी भी हमसे ऐसी बात नहीं करते। 3 दिन का कहा था, कल तक आ ही जाएंगे। फूफो, मोबाइल नहीं है हमारे पास। वैसे भी अब्बा कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं है मोबाइल रखने की। वैसे भी मोबाइल तो बनाया है काम की बातें करने के लिए, लेकिन यहाँ तो सारी गैर जरूरी बातें होती हैं। पर फूफो, ये कौन बताएगा कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी नहीं? ए छोटी, जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी तुम्हारी? यही सीखती हो स्कूल से? इस तरह करते हैं बड़ों से बात? अरे नहीं फूफो, इसका ये मतलब नहीं था। असल में, अरे रहने दो, इस पे पर्दे मत डालो। छोटी सी है ये और जुबान कितनी लंबी है इसकी। अभी से ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। बुरी बात है मरियम, बड़ों को जवाब नहीं देते। सॉरी करो फूफो को, मैंने तुम्हें समझाया था ना। सॉरी फूफो। ठीक है ठीक है, आइंदा मेरी बात का इस तरह जवाब मत देना। लड़कियों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ठीक कहते हैं लोग, माँ के बगैर पलने वाली लड़कियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा पुप्पो, ऊपर छत पर कपड़े सूख गए, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? जल्दी आओ और आकर दाल चढ़ाओ। सख्या, तुम कैसे कैसे बेहुदा लोगों को ले आती हो? क्या तुम्हें मलिहा की उम्र का पता नहीं था? आपा, मैंने तुम्हें बोला भी था कि जरा ख्याल कर लेना, लड़के की बहन बहुत तेज है। अरे खैर छोड़ो, दफा करो ना कदरे मनूस लोगों को। मैं अपनी मलिहा के लिए ना बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मलिहा की शादी करके फिर अस्वद और परी के बारे में सोचूंगी। तीनों की उम्र निकलती जा रही है, पता ही नहीं चला। तीनों देखते देखते माशाल्लाह जवान हो गए। आपा एक काम करो ना, तुम ऐसा करो मुझे अस्वद और परी की भी एक एक फोटो दे दो। मलिहा की तो मेरे पास पहले से ही है, भाई क्या पता किसका नसीब जाग जाए। पर मलिहा से पहले अस्वद और परी की शादी कैसे करूंगी? आपा क्या एक के चक्कर में दूसरी को बिठाए रखोगी? और आजकल छोटे बड़े के चक्कर में कौन पड़ता है भाई, बस जोड़ मिलना चाहिए, कर दो शादी। ठीक कह रही हो। अच्छा चलो मैं लेकर आती हूँ, मगर ख्याल रखना तरजीह मलिहा ही को देना। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र ही नहीं करो आपा। बहुत अच्छी, एतराज तो मुझे होना चाहिए, इतनी देर से खड़ा हो यहाँ पे बजा रहा हूँ। अभी स्कूल से आई हूँ। नहीं आज छुट्टी की, तुम जाओ ना यहाँ से, कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। छुट्टी क्यों की? बुखार तो नहीं है ना? नहीं नहीं बुखार नहीं है, फूफू आई हुई है ना इसलिए। ओ तो ये बात है, वो नमूना भी आया हुआ है? हाँ वो नमूना भी आया हुआ है। मैं तो छत पे कपड़े उतारने के लिए आई थी, लेकिन कपड़े यहाँ तो कपड़े ही नहीं है, मैं मर गई काशिफ। अच्छा 2 मिनट रुक, बाद में सुनूंगी ना। ये लो गरम गरम चाय, जल्दी से पी लो वरना ठंडी हो जाएगी।
अर्शद खुदा का वास्ता है, मेरी जान छोड़ दो। मेरी जिंदगी में और भी बहुत सी परेशानियां हैं। अर्शद तू जान है मेरी, मैं नहीं रह सकता। ओके ओके जाओ जाओ। तुम सोच कर मुझे जवाब दे देना प्लीज। जाओ लाए अम्मी, मैं इस्त्री कर देती हूँ। अरे बेटा रहने दो, थकी भी आती हो, आराम करो। अरे नहीं तो लाए दे। अच्छा अम्मी, ये जकिया खाला क्यों आई थी? क्यों, क्या हुआ? अम्मी आप मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल। क्यों बेटा, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं, जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर शख्स शादी करे। बेटा मायूसी कुफ्र है, पर अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मायूसी नहीं है अम्मी, मैं सही कह रही हूँ, इंसान की अपनी भी तो कोई इज्जत होती है ना। ये शादी कराने वाली जितनी भी औरतें हैं, औरतें तो हैं लेकिन कभी मेरी जगह अपने आप को रख के नहीं सोचेंगी वो। बेटा दुनिया का यही दस्तूर है, हर औरत को इस मरहले से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, मैं जकिया को कह दूंगी कि आइंदा कुछ बेहतर और ज्यादा बेहतर रिश्ते लेके आएगी, ठीक है? अम्मी मैं फैसला कर चुकी हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। अब जकिया खाला को मना कर लें। और हाँ, वो सीधे अली के घर जाएगी काम के बाद, उसकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया ना। अल्लाह रहम करे, बेटा ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं अम्मी, मेरे ख्याल में तो घबराने की कोई बात नहीं है। बेटा अल्लाह बेहतर करे, बस बड़ों का साया सर पे रहना बहुत जरूरी। अम्मी, अम्मी। सलामकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी देखे ना आपसे कौन मिल रहा है। मिल रहा है कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? तुम्हारी अम्मी कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा पहले से कुछ बेहतर है, टांग का दर्द भी कुछ कम है, शायद दवाइयों का असर है। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आप दोनों बातें करें, मैं आता। बैठो बेटा जी। और बताओ कैसी हो तुम? जी सब ठीक। क्या करूं यार, कहीं कुछ बात ही नहीं बन रही। देख नई हुकूमत क्या करती है। अब नई हुकूमत नए काम नहीं करती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और उनके कानों तक कोई जूं ही नहीं रेंगती। खैर हौसला रखो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यार ज्यादा सब्र करने वालों के फल ना पेड़ पर ही सड़ जाते हैं। तो बाहर जा रहे थे, तुमने बताया था। बाहर कहाँ जाऊँ, आसान है क्या? कहीं भी यार, अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स की बहुत डिमांड है, तुम्हें वहाँ ट्राई करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, अगर तेरा कोई जानने वाला है तो मुझे जरूर बताना। मेरा दोस्त है, मिलवाऊँ तुझे उससे? ट्रैवल एजेंट है और वीजे भी आई थिंक सो उसके पास होंगे। हाँ यार प्लीज उससे बात कर, वैसे भी बहुत टाइम ज़ाया कर दिया मैंने, अब तो कुछ ऐसा हो जाए कि जल्दी से मैं इतने पैसे कमा लूँ ताकि अबू की सारी शिकायतें दूर हो जाएं मुझसे, बहनों की शादियाँ कर सकूँ। जिम्मेदारियों का पहाड़ है मुझ पर यार, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्लीज़ आज ही बात कर यार। हाँ मैं करता हूँ, और अल्लाह पाक की ज़ात से कभी भी ना उम्मीद मत होना।
खुदा करेगा तुम्हारी सारी मुश्किलात बहुत जल्द दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन। सुन आमीन। बैठ। ये क्या कर रही हो तुम? पतंग उड़ा रही हूँ। मेरा मतलब है ये काम तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें कोई एतराज है क्या? मुझे क्या एतराज होगा, मगर फिर भी तुम बिल्कुल फूल लड़के हो। घर की हालत देखी है तुमने? कचरा हो रहा था घर में, सारा घर इतना गंदा हो रहा था। मम्मी ने बताया कि आज नजमा छुट्टी थी। तो नजमा को छोड़ो ना, कोई ऐसी जिम्मेदार औरत रखो जो घर को संभाले, साफ करे। उसकी अब क्या जरूरत है? क्या मतलब? तुम हो ना मासी। अरे वाह, एक तो मैं तुम्हारे घर के बर्तन धोऊं और तुम मुझे मासी कह रहे हो अली। अरे मजाक में मासी कह रहा था, चलो चल के साथ खाना खाते। मुझे भूख नहीं है, मैं तो चाय पीऊं, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई। तुम्हें घर नहीं जाना वापस? जाना है क्यों? भाई अमूमन मेरे हाथ की चाय पीकर लोग बेहोश हो जाते। ठीक है, मंजूर है मुझे। तुम बैठो। बैठूं क्यों? क्योंकि जब मैं किचन में काम कर रहा होता हूँ तो मुझे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। ओके। तुम अर्शद से जरा खिंची खिंची हो। अच्छा लग रहा है। चाय बनाकर? नहीं, तुम्हारे साथ इस तरह वक्त गुजार। पता है परी, ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम थोड़ी देर के नहीं बल्कि सारी जिंदगी के लिए इस घर में आ गई। हस्बैंड बनकर बदल तो नहीं जाओगे? हमेशा मुझे इतना ही चाहोगे ना? ऐसे क्यों कह रही हो? वो इसलिए कि शादी से पहले जो प्यार प्यार से चाय के कप पेश करते हैं ना, और यही कप तोड़ने वाले बाद में शोहर बन जाते हैं। नहीं परी, मेरा वादा है तुमसे, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें इससे भी ज्यादा चाहूंगा। लेकिन चाय बनाना सीख लेना, बहुत बुरी चाय बनाई है तुमने, वरना शादी के बाद मैं कप तोड़ने वाली बीवी बन जाऊंगी। अरे क्या कह रही? हाँ मजाक कर रही हूँ। मैं सूप देखूँ आंटी के लिए, सूप बनाया। तुमने तो कहा था कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आयशा ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि तुम उसे तंग करते हो। क्या कहा इसने? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज रहो। मंसूर को पता चल गया तो? कौन सी हरकतें अम्मा, कुछ मुझे भी तो पता चले। जब उसके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए तो वो अपनी तरफ से बातें क्यों बना रही है? उसने कहा है कि तुम उसे बहन नहीं समझते। भाई कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो उसे ये कहना पड़ा। अम्मा क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? एक तरफ मेरा आयशा से रिश्ता तय कर रही हो और दूसरी तरफ मुझे कह रही हो कि मैं उसे अपनी बहन समझूं। कोई तुक बनती है इस बात की भला? रिश्ते की बात हुई है अभी, कोई मंगनी या निकाह नहीं हुआ। और दीद लिहाज भी कोई चीज होती है। मंसूर हम पर भरोसा करके छोड़कर गया इन बच्चियों के पास, जरा सोचो। आयशा ने अगर कोई बात अपने बाप को बता दी
तो वो करेगा तुम्हारी शादी? क्या मतलब अम्मा, क्यों नहीं करेंगे शादी? साफ साफ बताओ अम्मा, आखिर तुम्हारे भाई के दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा, लेकिन एक बात मैं तुझे बता दूं, अगर उसके कान में कोई बात पड़ गई ना तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकूंगी। अच्छा अच्छा अम्मा, अब इतना भी बुरा ना समझ अपने बेटे को। मुझे पता है अभी मेरा आयशा के साथ सिर्फ रिश्ता तय हुआ है और मैंने तो सिर्फ बात ही की थी अम्मा, इसमें क्या बुराई है? कहाँ जा रहा है? अब इस घर में रहूंगा तो आमना सामना तो होगा ना अम्मा, फिर आयशा समझेगी कि मैं उसे तंग कर रहा हूं। जल्दी कर यार, तू भी घंटों लगा देते यार। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अबे पता नहीं खुद को क्या समझ लिया यार, अम्मा को शिकायत लगा दी मेरी। नहीं यार, फिर अम्मा ने क्या बोला? अम्मा ने क्या कहना था? टोपी करवाई अम्मा को, मैं तो मजाक कर रहा था उससे। ये लड़की जो है ना, बिल्कुल ही अलग टाइप की है, तेरे मतलब की नहीं है, छोड़ दे इसे। अबे तुम्हें तो पता है मेरे दोस्त, मुझे बचपन ही से अलग टाइप की चीजें पसंद आती हैं। खैर तुझे वो लड़की याद है जो कॉलेज में मुझे लाइन कराया करती? उसके लिए देख मैं कितना बदला और साली छोड़ के भाग गई। कृपा कर यार, ये लड़कियाँ सब ऐसी होती हैं। और तुम्हारा क्या हाल चाल है? बस यार आजकल। ये लीजिए आंटी, गर्मा गर्म सूप आपके लिए। जीती रहो बेटा, खुश रहो। वाह भाई वाह, तुम्हारे हाथों में तो बहुत जायका है। आंटी मैंने ये सब अम्मी से सीखा है, अम्मी तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। बेटा माँ बाप की अच्छी तरबियत बच्चों में नजर आती है। चलें छोड़ें इन बातों को, आप जल्दी से अपना सूप फिनिश करें। नेक रूह है मेरी परी, अल्लाह नसीब वालों को ही ऐसी बेटियां देता है। भाई मुझे तो फख्र है अपनी बेटी पर। कभी अपने बेटे का भी ख्याल कर लिया कीजिए, आप दोनों में दूरियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। दूरी कैसी भाई, अगर कोई गलत सलत करेगा तो उसे टोकना रोकना मेरा फर्ज है, उसके भी तो कोई फराइज है ना, अपनी जिम्मेदारी को संभाले, पूरा करे, उठाए उन्हें। 90% लोगों का मसला है नौकरी का जमील साहब, असफत कोई अनोखा नहीं है। नसीम बेगम, हमने भी अपने तालिब इल्मी के जमाने में बड़ी मजबूरियां की हैं, बोझ उठाए हैं, बड़ा मुश्किल मगर इज्जत से वक्त गुजारा है। पता नहीं हमारे जमाने में तो लोग रातों रात अमीर होने के ख्वाब नहीं देखा करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं, आप तो हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं। इंशाल्लाह उसको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आपकी तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा तुम उसको छोड़ो, तो मलीहा से कहो कि फोन लगाए परी को, उससे पूछे कि कहाँ है वो, कब तक आ रही है घर में। इस्त्री हो गई तो दीजिए। हाँ हो गई भाई, ये लो, उधर दराज में रख देना, ये पेचकस ले दीजिए। माशाल्लाह कितनी सलीकामंद बच्ची है, देखते ही देखते पूरे घर को चमका दिया। इसकी मंगनी वगैरह हुई है? नहीं अम्मा। हमारी इससे कैसी दोस्ती है? उसको मैं इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप उसको देख लें।
ठीक है, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं जाके इसके घर में रिश्ता मांगती हूँ। जब तक तुम भी इससे राय ले लो कि उसका तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, ठीक है ना? पसंद है ना? जी मुझे भी पसंद है। हेलो। हाँ मलिया, कहाँ हो तुम? इतनी देर कर दी, अम्मी अबू कब से परेशान बैठे हैं? परेशान मत हो, मैं बस आ रही हूँ। हाँ हाँ, बस पहुँच रही हूँ। खुदा हाफिज़। अली, मलिया का फोन आ रहा है बार बार, काफी देर हो गई है, मुझे घर ड्रॉप कर दो प्लीज। हाँ चलो। अच्छा आंटी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ। जीती रहो बेटा, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। चले चलो। चलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कर लो। तो बोलो, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इजाजत की जरूरत क्यों पड़ गई? परी, अम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, उनको मेरी शादी की बहुत फिक्र है और मैं भी चाह रहा था कि अब हम शादी करें। आमोश क्यों? अली, मैं शादी नहीं कर सकती। नहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।